बिल्कुल क्रिस्पी बनी है ये। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज हम बनाएंगे जवाहर के आटे की चकली। इसके लिए हमने 2 कप जवाहर का आटा लिया है। इसके अंदर हम 1 चम्मच मोयन डालेंगे और इसको आटे के अंदर अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारा मोयन लग गया आटे पे। 2 कप हमने आटा लिया है जवार का, इसके अंदर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, चौथाई चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच इसमें हम तिल डाल देंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। उबाल आने देते हैं। देखिए उबाल आ गया। इसके अंदर अब हम ये ज्वार का आटा डाल देंगे और इसको मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। और इसको 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 7-8 मिनट हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। अभी भी गर्म है मिश्रण। थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाते हुए इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। चकली के लिए हल्का सा सत्ती आटा गूंदेगा, तो ज्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लें। इसी तरह बस हाथ में पानी लगा लगा के, तो मैंने कुल कुल मिला के 1 चम्मच पानी लगा होगा, 1.5 चम्मच। वो हमारा अभी भी गर्म है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, जब तक हम इसको चकली मेकर को ग्रीस कर लेते हैं। चकली बनाने के लिए हम इस तरह के सांचे का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सेंटर पोर्शन है, इसको भी अच्छे से पूरा ग्रीस कर लेंगे। चकली मेकर को साइड में रखते हैं और आटा चेक कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा और मसल लेंगे इसको, और अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो इस पे आप हल्का सा पानी का हाथ लगा के इसको मसल लें। इसको सेट कर लेंगे और इसको इस तरह से सिलेंडर इसको करके चकली मेकर है इसके अंदर डाल देंगे। इसको रख देते हैं साइड में। अच्छी तरह बंद कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से इसको प्रेस करते हुए छोटी बड़ी जिस तरह की भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह की इसकी चकली बना लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से छोटी छोटी बना सकते हैं या थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। और इसको इधर सेंटर से भी सील कर देंगे और इसको बाहर से भी सील कर देंगे। इसी तरह से हम और चकरियां भी बना लेते हैं। आपका आटा सही गूंदा हुआ होगा तो ये चकरी बीच में से टूटेगी नहीं, मतलब आप इस तरह बना रहे हैं तो बीच में से टूट टूट के अलग अलग नहीं होगी, सही बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही नाप है, परफेक्ट। इसी नाप से एक बार आप थोड़ी सी बना के देखें, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। तेल हमारा गरम होना चाहिए अच्छे से। तरह से आप इसको
जब एक बार हम चकली डालें तो तेल गर्म होना चाहिए। एक बार जब नीचे से सेट हो जाएगी तो थोड़ी सी आंच हम इसकी धीमे कर देंगे। ये देखिए सेट हो गई है एक तरफ से, पलट लेते हैं इसको। हल्की सी आंच को धीमा कर देंगे, मीडियम हाई ही रखेंगे। बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी सी हमारी जवाहर की चकली बन के तैयार हो जाएगी। आजकल हम प्रीफर करते हैं मिलेट्स की हम इस्तेमाल करें, तो रोटी तो बनाते ही हैं हम जवार, बाजरा, मक्की, रागी इन सब की, तो इस तरह से भी इसकी मठरी, इसके बिस्किट, इसकी चकली, नमकीन वगैरह भी हम बना के रख सकते हैं, वो भी बहुत स्वाद लगती है। बस इस तरह से इसको उलट पलट करते हुए ये हमारी अच्छे से क्रिस्प हो जाए चकली, तब तक इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए चकली हमारी फ्राई हो गई है। ये देखिए बढ़िया से हमारी चकली बन के तैयार है, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है ये देखिए। और बाकी की चकलियां भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी जवार के आटे की चकली बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही क्रिस्पी। एक बार जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, और बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये देखिए, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।